Hello student, you are welcome in my channel. I'm going to tell you the summary of fourth chapter of Flamingo class 12 and that is the rat trap. तो जो rat trap हमारे पास chapter है बच्चों, इसमें अगर हम इसकी summary देखें तो summary इसकी बहुत ही हमको knowledge देती है. rat trap हर किसी ने अपने अपने घर में देखा ही होगा. रेड ट्रैप चूहों को फंसाने के लिए जिस बॉक्स का हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं रेड ट्रैप. हर किसी के घर पे होगा. ट्रैप मतलब होता है जाल, फंदा. रेड मतलब चूहों को फंसाने वाला फंदा. किसी घर में कैसा भी हो सकता है. जिस प्रकार चूहों को फंसाने के रेड ट्रैप होता है, उसी तरह इंसान जब लालच करता है तो वो भी फंस जाता है. उसके लिए भी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या करता है, इसी प्रकार से कुछ टुकड़े बिछा के रखता है जो कि उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. उसको कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और वो बेचारा उनमें फंसता चला जाता है. तो उसके लिए भी रेड ट्रैप कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार होता है. उस कहानी में हमारे पास एक व्यक्ति है जो कि पेडलर हम उसको कह सकते हैं, फेरी लगाने वाला हॉकर है. वो चूहे दानियाँ बेचता है कहीं दूर से, लोहे की जहाँ फर्म होंगी वहाँ से वो लोहे के टुकड़े लाता है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े. जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लाता है और उस वेस्ट मटेरियल से ही वो क्या करता है, चूहे दानियाँ बनाता है, उनको बेचता है. उसका गुजारा नहीं चलता है, छोटी मोटी चोरियां करने लगता है. अब ऐसे करते करते उसका गुजारा नहीं होता है, उसका जो मन होता है बहुत व्याकुल होता है, वो ऐसे ही टहलता रहता है. एक शाम को टहलते टहलते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए. तो ऐसे ही सोचते सोचते उसे काफ़ी रात हो जाती है. तो रोड के किनारे एक व्यक्ति का घर होता है, वो उस घर के पास जाता है. जब उस घर के पास जाता है तो उस व्यक्ति को पूछता है, क्या आज रात को मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी, शेल्टर मिलेगा मुझे? तो व्यक्ति अकेला होता है, उसकी कोई पत्नी नहीं होती है, उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं. उसके पास एक गाय होती है और उस गाय के दूध से ही वो दूध, दही, मक्खन, पनीर जो कुछ बनाता होगा उसी से वो पैसे कमाता है. तो जैसे हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो रुपीज़ है, वैसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रोनर एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे, ये भी करेंसी है स्वीडिश. तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति इस फेरी वाले को अपना पूरा सब चीज़ बता देता अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार वाले हैं या नहीं है, मैं कितना कमा लेता हूँ और मेरा जो सोर्स है इनकम का वो ये गाय ही है. सारा वो उस व्यक्ति को बता देता है. उस व्यक्ति को खाना वाना खिलाता है, बढ़िया से उसकी देखभाल करता है. लेकिन लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब रात को खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं, सुबह जब अच्छे मूड में दोनों ही उठते हैं, दोनों अपने अपने काम के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं. ये चूहे दाने वाला होता है, इसको अपनी चूहे दानियाँ बेचने के लिए जाना होता है. जबकि जो क्रॉफ्टर है, किसान है, वो उसको बूढ़े व्यक्ति को उसको भी कुछ ना कुछ क्या करना है, अपना काम करना होगा. गाय के लिए घास, चारा वगैरह जो कुछ है वो लाना होगा. दोनों एक साथ घर से निकलते हैं. थोड़ी दूर जाके जो ये पेडलर होता है, चूहेदानी बेचने वाला, इसके दिमाग में एक ख्याल आता है. इसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसके घर पे जाऊं. अब क्या होता है, जब ये दोनों रात को बात कर रहे होते हैं तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो इसको बता देता है कि ये देखो मेरे घर पे ये मेरा पाउच है, इसमें मैं पैसे रखता हूँ और 30 क्रोनर, जैसे हम 30 रुपए कहेंगे वैसे 30 क्रोनर उसने उसे एक लेदर के पाउच में रखे होते हैं जो कि खिड़की के बगल पर टंगा हुआ होता है. अब इसके दिमाग में ख्याल क्या आता है, क्यों ना मैं इनको चोरी कर लूँ. अब ये क्या करता है, जैसे ही दोनों जब घर से निकलते हैं अपने अपने काम के लिए, तो फिर वापस आता है, खिड़की का जो शीशा होता है उसको मुट्ठी से तोड़ता है, हाथ अंदर डालता है, उस लेदर पाउच से 30 क्रोनर निकालता है और चला जाता है. फिर से उस लेदर पाउच को वहीं टांग देता है. इसके बाद कहानी शुरू होती है. अब ये व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं रोड रोड से जाऊँगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मैं पहचान लिया जाऊँगा. इसलिए क्या करता है कि जंगल का रास्ता चुनता है और जंगल से होते हुए सोचता है कि मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा. लेकिन कि जंगल में बुरी तरीके से फंस जाता है. एक समय ऐसा आता है जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन हर बार उसी जगह पहुँच जाता है.
उसके बाद उसे लगता है कि अब तो मृत्यु निश्चित है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। और उसको लगता है कि मेरे लिए जिस प्रकार चूहेदानी में हम चूहों के लिए रोटी पनीर का टुकड़ा रखते हैं, इसी प्रकार कहते हैं कि जो 30 करोड़ रुपए मैंने चुराए हैं ये मेरे लिए क्या थे, पनीर के टुकड़े की तरह थे, ये मेरे लिए जाल की तरह के अट्रैक्ट करने के लिए रखे हुए थे और अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ। इसके बाद बेचारा फिर एक बार कोशिश करता है जंगल से बाहर निकलने की, निकल नहीं पाता है। जब नहीं निकल पाता है तो क्या करता है, थक हार के बेचारा रात हो जाती है उसको जमीन पर लेट जाता है, बेहोश होने वाला ही होता है, मरने वाला होता है। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे जमीन पर लेटता है तो उसे कुछ जमीन पर वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, कहीं उसको एहसास हो जाता है कहीं ये जो आवाज़ें हैं ये कहीं हैमर हथौड़ा चल रहा है, ये हथौड़े की आवाज़ें हैं। देखता है बगल पे ही एक लोहे की मिल होती है, आयरन मिल होती है, वहाँ चला जाता है। वहाँ दो लोग जो वहाँ काम करने वाले होते हैं, तो एक मुख्य लोहार होता है उसके साथ एक उसका चेला होता है, दोनों लोहे को पिघला रहे होते हैं, अलग अलग सांचों में ढाल रहे होते हैं, गर्म भट्टी यहाँ जल रही होती है, लोहे को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये व्यक्ति भी अंदर जाता है और उनके बगल में बैठ जाता है। उनके बगल पे जब बैठ जाता है तो कहता है, भाई मुझे आज सोना है यहाँ पे, आज मुझे सोने के लिए जगह दे दीजिए। इसकी हालत देखकर वो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन हाँ ये वहाँ पे टिक जाते। इसी दौरान क्या होता है, उस जो मिल है उसका जो मालिक है वो वहाँ पहुँच जाता है। अब उसका मालिक जब वहाँ पहुँच जाता है तो तब कहानी शुरू हो जाती है। वो जो मालिक होता है उस आयरन मिल का, वो इसको पहचान नहीं पाता है, उसको लगता है कि ये मेरा कोई पुराना दोस्त है जो कि आर्मी में हुआ करता था, और हो सकता है इसके साथ कुछ हुआ हो, और वो उस पे सिंपैथी दिखाता है और उसको अपने घर ले जाता है बड़े मान सम्मान के साथ। जिद करता है कि चलो मेरे घर चलो, लेकिन ये व्यक्ति अपनी बेइज्जती समझता है, इसको लगता है कि भाई मैं तो इसका दोस्त नहीं हूँ जो मिल मालिक है, लेकिन फिर भी ये उसको टाल देता है, जो आयरन मिल का मालिक है उसके साथ नहीं जाता है। आयरन मिल का जो मालिक है वो अपनी बिटिया को कहता है कि जाओ भाई, एलिजाबेथ उसकी बिटिया का नाम है, कि जाओ बेटा तुम उनको लेकर आओ। वो जाती है और उसको मना के घर पे ले आती है। जब घर पे उसको ले आती है तो क्या है, उसका बड़ा ही स्वागत होता है, उसको दाढ़ी वाड़ी उसकी बनाई जाती है, बड़े बड़े जो बाल थे फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे उनको दूर किया जाता है। जब उन कपड़ों को दूर किया जाता है तो उसको दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद वो डाइनिंग रूम में इनके साथ आता है, जो भोजन कक्ष में इनके साथ आता है, तो देखता है जो आयरन मास्टर है, मिल का जो मालिक है, वो देखता है कि अरे ये तो वो है ही नहीं जिस व्यक्ति को मैंने सोचा था। तो वो सोच रहा था कि उसका जो मित्र है, सेना का मित्र वॉन स्टेली है, जबकि ऐसा था नहीं। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति सोया हुआ रहता है खा पी के। इसी दौरान क्या होता है, जो एलिजाबेथ है और मिल का मालिक है, ये दोनों बाप बेटी हैं, ये क्या करते हैं, इसी दौरान चर्च वगैरह होके आते हैं। वहाँ चर्च में लोग कह रहे होते हैं कि देखिए भाई, एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है और उसने किसी वृद्ध व्यक्ति के 30 करोड़ चुराए हुए हैं, और वो चूहेदानी बेचने वाला है, उसका हुलिया इस प्रकार से है, वो ऐसा दिखता है। अब इन दोनों को शक हो जाता है कि वो व्यक्ति तो हमारे घर पे है, तो इनको भी लगता है कि कहीं उसने हमारे घर से सब कुछ चोरी ना कर दिया हो। वो वहाँ से घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया था, उस व्यक्ति क्या किया था कि जो उसने 30 करोड़ चुराए थे और एक चूहेदानी के अंदर उनको रखता है, एक उस पे से पैकिंग कर देता है और छोड़ जाता है उस घर पे। और वहाँ उस घर के नौकरों को कहता है कि किसको दे देना, एलिजाबेथ को दे देना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दिया है, अपने घर पे लाके भोजन खिलाया है, मेरी बहुत सेवा की है। और उसके अंदर एक लेटर लिख लेता है जिसमें कि टूटी फूटी भाषा में लिखा हुआ होता है कि आपके लिए एक तोहफा है और आपकी वजह से मुझे एक मौका मिला कि मैं क्या करूं, उस व्यक्ति की जो मैंने पैसे चुराए हैं मैं उनको वापस करूं। तो कहता है मैंने इस व्यक्ति के पैसे चुराए थे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये पैसे उस व्यक्ति को दे दो। ये पैसे जो थे वो मेरे लिए उस अट्रैक्टिव पीस ऑफ पॉर्क, जिस प्रकार से चूहेदाने पर रोटी का टुकड़ा होता है, जिस प्रकार से चूहा उसको लेकर अट्रैक्ट होता है, तो ये कहता है कि जो 30 करोड़ थे मेरे लिए इसी प्रकार से मुझे अट्रैक्ट कर गए और मैं इनमें फंस गया, इन्होंने मुझे बहुत ललचाया और मैं फंस गया। और इस प्रकार से लास्ट में वो पैसे और वापस कर देता है एलिजाबेथ को,
और कह देता है कि तुम वापस कर दे। तो कहानी हमको ये बताती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, लालच करेंगे तो हम फंस सकते हैं और अगर हम फंस जाएंगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमको ये सब सिखाती है, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए हमको। कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम फंस जाते हैं। तो जो चौथा चैप्टर की समरी थी, इसको मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा। तो आपने अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।